Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो पीवी न्यूज़ तुहानू किसानी अंदोलन की पल पल की खबर दे रहा है। सो कुल झूठियां अफवाह फैलाइया गई सी जो किसान है वो पिंडां नू वापस जा रहा है। सो इस टाइम साडे नाल कुछ किसान आगू किसान नेता मौजूद है, आपां उहनां नाल गलबात करदे हां। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। जो पैदल मार्च रैली कढ़ी आ रही है बारे की कहोगे? ये असीं जी मतलब सरकार ने जिहड़ा 26 तरीक नू आपदे बंदा तो सारा कुछ कराया उहदे करके अज फिर असीं अमन मार्च कढ़दे हां कि संयुक्त मोर्चा अज फिर विखाउणा चाहुंदा कि असीं पीसफुली शांतमई ढंग दे नाल जिहड़ा अपने तीन कानूनां नूं वापस कराउण वास्ते मोर्चा लाया और जिहड़ी सरकार दी आ कोई भी चाल पहलां भी चालां चलियां और 26 नूं भी चलियां रल के उहनां दे जिहड़े मतलब वफादार लोक सी उहनां नूं प्लानिक ढंग दे नाल दिल्ली च वाड़ के वो जिहड़ा सारा कुछ कराया वो असीं लोकां नूं दिखाउणा चाहुंदे आ फिर, क्योंकि पहलां भी लोकां नूं तां पता कि 2 महीनों तो इन्हां ने फुल नहीं तोड़िया। अज भी असीं सिंघू बार्डर ते भी तिदले बार्डर से भी शांति मार्च करके लोगों को विखाना चाहते हैं कि सरकार के जोड़े चल है उन्होंने तो सुचेत रहो, मोर्चा शांतमई ढंग के ना चलूगा, तिने कानून वापस करा के और MSP का कानून बना के फिर घर वापस मुड़ा पीसफुली तो शांतमई साडा मोर्चा रहूगा। कहने के जो किसान है 26 हिंसावाद वापस होने शुरू हो गए, इस बारे की कहो? नहीं, कोई बिल्कुल भी वापस नहीं, आप देख ही रहे हो कि हमारे साथ साथ चले हुए टिकरी बॉर्डर से चले थे हम, बहादुरगढ़ पार करके आगे बाईपास चले जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं जो भी शुरू पहले दिन से तंबू लगा था जहाँ भी हमारी ट्रेलियाँ थी वो सारी की सारी ट्रेलियाँ यहीं पर लगी हुई हैं। किसानों के अंदर पूरा जोश है, इस जोश के साथ ये हमारा आंदोलन चला हुआ है। आज 65वें दिन में हम किसान इस आंदोलन को लेकर के पहुँचे हैं। इसके साथ से जो हम लगातार हमारे किसानों का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा, जो किसान 26 तारीख के लिए स्पेशल 26 के लिए आए थे वो कुछ साथी हमारे वापस जाना लाजमी भी है, वो जा भी रहे हैं, हम इस बात से इनकार नहीं करते कि वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन का काम है, खेती का काम है, वो नौजवान युवा साथी ने वो काम देखना भी है, इसके लिए वो स्पेशल 26 तारीख के लिए आए थे, कुछ साथी चले जा रहे हैं, हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं, उनका काम करना है, कुछ दिन के बाद साथी दोबारा वापस आएंगे। जो यहाँ लगातार इस आंदोलन में 60 दिन से जारी है उसमें से कोई भी साथी नहीं गया है। ये स्पेशल मीडिया इस बात का प्रचार कर रहा है कि किसान साथी वापस जा रहे हैं, किसान वापस जा रहे हैं, कोई भी किसान साथी वापस नहीं जा रहा। ये लेटरिन बाथरूम पानी की टंकियां आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, लक्कड़ है, दूध है, दही है, लस्सी है, जो भी सामग्री हरियाणा से आ रही थी वो जारी है। और मैं जो साथियों से अपील भी करना चाहूँगा, आने वाले समय में जैसे पहले हमने लगातार 60 दिनों के अंदर ये सामग्री पहुँचाने का काम किया, जो किसान साथी मेरे को देख और सुन पा रहा है उन साथियों से अनुरोध करूँगा कि वो सामग्री ज्यों की त्यों जारी रखें, इस आंदोलन को हम जीतेंगे और जीत के बिल्कुल नज़दीक हैं। इस जीत की डर, किसान की जीत की डर से सरकार घबराई हुई है, तरह तरह के लांछन किसानों पर पैरल भी लगाने का प्रयास किया, ये भ्रांतियां फैलाने का काम किया, SYL के मुद्दों को लेकर के और भी भिन्न भिन्न तरह के खालिस्तानी पाकिस्तानी पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन किसानों ने बहादुरी से इन सभी बातों का जवाब दिया और ये लगातार आंदोलन हमारा जारी रहेगा। ये आप देख रहे हैं कि हम लगभग 10 किलोमीटर आ चुके हैं, इस 10 किलोमीटर के अंदर से एक भी ट्रैक्टर आपने कहीं से भी जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। ये लेटरिन बाथरूम की जो सुविधा है वो लगातार जारी है, ये पानी का प्रबंध है लगातार जारी चलेगा जी। धन्यवाद। ये घटिया सोच ये मोदी सरकार की पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को पता चल चुकी है, ये प्रोपगंडा सारा जो इन्होंने 26 जनवरी को रचा है, ये चंद गद्दार जो दीप संधू जैसे जो इनके दलाल इन्होंने जो किसानों के पीठ में छुरा को अपने काम किया है, इनको बिल्कुल जात से बिरादरी से बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों को बिल्कुल बाहर, इनसे कोई किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। और जो भी
किसान के हित में है, जो भी साथी जो किसान है वो तो का जो यहाँ डटा हुआ है। और जो ये कह रहे हैं भाई बार बार भाई किसान तो चले गए, किसान तो आप खट्टर साहब भी कह रहे हैं भाई किसान तो वापिस जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। जो भाई कल तक तो तू हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रहा था, अब किसान ये कह रहे हैं भाई वापिस जा रहे हैं। अब यानी कि खट्टर ने भी मान लिया भाई किसान ही थे, तो यानी कि दोगले आदमी हैं ये, इनकी जबान का कोई भरोसा नहीं है। हमने तो इसका पहले बाई काट कर रखा है बस, जिस आदमी ने ये नहीं पता भाई 26 जनवरी मनाई जा रही, 26 जनवरी को 26 अगस्त कह रहा है ये, सारे ने पढ़ा का टोला टोटली, सारे शिक्षित बैठा रखे हैं टोटली, इन्हें क्या है क्या नहीं बेरा, इन्हें हमारे हरियाणा का नाश कर दिया, कति तोड़ कर दिया, इन्होंने क्या है गाई बेरा। और हम लगातार हरियाणा और पंजाब के भाई जो के तो यहाँ टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, कोई भी साथी हमारा नहीं गया है, जो साथी गए हैं वो अपने काम काज के लिए गए हैं, दोबारा आ जाएंगे वो सारे साथी भाई। अब राजपथ पे कोई परेड देखने के लिए गया है, लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, तो क्या वो वहीं बस जाएंगे भाई? कुछ साथी होते हैं वो थोड़ा थोड़ी झलक दे के वापिस आ जाते हैं परेड को, कुछ साथी ऐसे होते हैं जो एक दो घंटा रुक के वापिस आ जाते हैं भाई, कुछ साथी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जब तक शाम तक वहीं बैठे रहते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है भाई वो परेड भी मतलब देखने वाले लोग हैं वो वहीं बैठ जाएं। उसी तरह हमारे किसान साथी थे जो स्पेशली किसान की परेड देखने के लिए, किसान परेड में शामिल होने के लिए आए थे, वो हमारे साथी इस जोश के साथ आए थे, और वो भी अगर जैसे ही संयुक्त मोर्चा का वाहन होगा दोबारा फिर आ जाएंगे। जो हमारे साथी थे आप जो भी आपका जो न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं, 10 किलोमीटर से ज़्यादा आ चुके हम, एक भी ट्रैक्टर एक भी ट्राली जो की तो बनी हुई है कोई नहीं गया यहाँ से। ये टोटली जो गोदी मीडिया है मोदी मीडिया है ये झूठा प्रचार कर रही है। तो मैं हमारे सभी किसान साथियों से ये अपील करूँगा भाई जो के तो डटे रहे, हमारी जीत पक्की होगी, जीत सुनिश्चित है, हम जीत के बिल्कुल नज़दीक हैं। मोदी सरकार बिल्कुल बौखला चुकी है, ये डरी हुई है, इसी तरह ये अलग अलग हथकंडे अपराध, कभी तो सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं बस स्टेट वाइज हम कमेटी बना देंगे, कभी कुछ कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि भाई पाला आपकी गेंद, भाई महाराज पाला गए हैं, पाला तो हमने, हम तो बैठे हैं आराम से, सोचना तो आपने है भाई। एक ही बात है, काले कानून रद्द होने चाहिए, इनको रद्द करो, किसान उसी टाइम अपने घर से की तरफ रवाना हो जाएंगे। ये सरकार आ जी गलत प्रचार करी जाती है, आ ट्रैक्टर ट्रालियां साडिया वेख लो उवें खड़िया, कोई किसान घर नूं नहीं मुड़ेगे, सारे बरकरार है, जिन्ना चिर जंग जीती दा नहीं जंग जित के घर नूं जावांगे, काले कानून रद्द करा के फिर जाना, उन्ना चिर किसी ने जाना नहीं, उन्ना चिर इत्थे ही रहना, सारे बरकरार बैठे आ आपो अपने धरनियां ते, रैली साडी उदन वधिया निकली है, तो किसानों की परेड बहुत वधिया, दिल्ली के किसानों ने बहुत इज्जत मान सत्कार दिता सानू। वीर जी मेरी गल सुनो, नौजवान इत्थे पहला भी डटे सी हुण भी डटे आ, एक कहिंदे ना भी कुत्ता हुंदा वफादार हुंदा, दीप सिद्धू सरकार दा सरकारां दा कुत्ता सी, मोदी दा बीजेपी दा कुत्ता सी, ओ उहनां नाल आपदी वफादारी निभा गया। दीप सिद्धू हुण लाइव होए सी, उहने एक गल कही है कि जेकर मैनूं गद्दार घोषित कीता गया तां मैं अपने आप नूं गोली मार लूँगा, तो वह तो बड़े दिनों का बहुत कुछ कह रहा है ना, मैं आ कर दूँ, मैं किसानों के चट्ठे खोल दूंगा, तो फिर इन्ने दिनों का खोलदा नहीं, गोली मारे फिर चलो मेरी गल सुनो, भी मरन तो बाद ही चल लोगों ए हो जूगा भी हाँ वो सही सी, तो मरन तो बाद गदारी का दाग धुप जा तो फिर मार ले गोली, पर गदार जो केंद्र ही होंगे कुत्ते भौंकते होंगे करते कुछ नहीं। 26 तारीख को बड़े शांतिपूर्ण तरीके से परेड निकालनी शुरू करी थी, और 5 लाख ट्रैक्टरों पे 10 लाख झंडे हमने लगाए थे, तिरंगा झंडा, ये देश हमारा है, ये तिरंगा हमारा है, बीजेपी लगातार साजिश रच रही है, पता नहीं क्या क्या खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या बोल रही है, लेकिन हम एक बार फिर तिरंगा यात्रा निकाल के मैसेज देना चाहते हैं, ये तिरंगा हम सबका है और ये देश हमारा है, ये देश के किसान हैं, किसान से बड़ा देश भगत इस दुनिया में कोई नहीं है, जो अन्न उगाता है सबके लिए, अन्न पैदा करता है, 6 महीने तक हम वेट करते हैं अपनी फसल का, किसान से बड़ा शांतिपुरी आदमी और किसान से ज़्यादा पेशेंस किसी के अंदर नहीं है, किसान 6 महीने तक वेट करता अपनी फसल का, हम 2 महीने से अशांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, एक दिन में हमारे को बदनाम करने की साजिश रची बीजेपी ने, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है और लोगों को पता लग रहा है यह असली किसान, ये देश का असली अन्नदाता है और ये जीत के जाएगा। जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक हम एसपी के ऊपर ठोस कानून नहीं बनेगा, हम घर वापस नहीं जाएंगे, जब तक काले कानून वापसी नहीं, हमारी घर वापसी नहीं। एक झूठी बात फैलाई जा रही है कि जो किसान है वो वापस जा रहे हैं, कोई वापस नहीं जा रहा, ये देखो लाखों की संख्या में किसान हैं, ट्रैक्टर ट्रालियां हैं,
25 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी यात्रा है भाई। बड़ी मीडिया है उसको आमियान देड़े तो दिख देनी, आए जब 7 दिन तक जब तो दिखे नहीं, और ये जान लगे जब दिखे ये मीडिया की आख्या में फर्क आ रहा है। उनका चश्मे चढ़ रहे हैं सरकार के, अभी हम चश्मे उतारने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं और आंदोलन को जब तक जीतेंगे जब तक चलेगा, जब तक हम जीतेंगे। निकाली जा रही है किसानों द्वारा, नेता द्वारा, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं जो लोग ये कह रहे हैं किसानों को बदनाम कर रहे हैं कि किसानों ने तिरंगे का अपमान किया है, मैं देश की जनता को बताना चाहती हूँ कि किसानों से बढ़कर देशभक्त कोई नहीं है। आप कैसे अपमान कर सकते हैं किसान? किसानों के घर में हर रोज एक एक बच्चा जो शहीद होकर तिरंगे में लिपट के आता है, देश उसको कह रहा है कि ये तिरंगे का अपमान करता है। कभी तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता किसान। और कल किसानों ने जो परेड निकाली थी, 26 तारीख को जो परेड निकाली थी, उसमें किसानों के हाथों में तिरंगे थे, सभी ट्रैक्टरों में तिरंगे थे और जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए हमने अपनी परेड कामयाब बनाई। जो कुछ लोग जो सरकार के भेजे हुए थे उन्होंने जो कुछ किया लाल किले पे, उसमें किसानों का कोई हाथ नहीं है। किसान कभी भी अपने देश के खिलाफ नहीं जाता, हमेशा देश की इज्जत करता और तिरंगे का सम्मान करता। तिरंगा हमारे देश का मान है, शान है, भारत की पहचान है। हम हमेशा उसको सबसे सर्वप्रिय रखते हैं और हमेशा रखते रहेंगे। अभी भी हमारे हाथ में तिरंगा है तो तिरंगा हमारी शान है। और किसानों से बढ़कर, जवानों से बढ़कर, इससे तिरंगे से ज़्यादा रैली है, इसलिए कि 26 जनवरी ने सरकार ने जो एक गैर आदमी से झंडा फिर आगे जो बवाल फैला और जो आंदोलन को खराब करने का काम किया है, ये सिर्फ हम की आज सरकार को बताना चाहते हैं कि तिरंगे से ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तिरंगा हमारे लिए सब कुछ है। और किसान अगर किसी तिरंगे की रक्षा कर सकता है तो किसान से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बॉर्डर पर शहीद होते तो वो भी किसानों के बेटे ही होते हैं, कोई और शहीद नहीं होना था। कोई अंबानी डाने का लड़का वहाँ शहीद होने नहीं आता, शहीद होने आते हैं तो किसान के लड़के ही शहीद होते हैं। तिरंगे में लिपट के आते तो किसानों के बेटे ही आते हैं लिपट के। और इसके माध्यम से सरकार को ये दिखाना चाहते हैं, जैसे कल ये कह रहे थे 5 लाख ट्रैक्टर थे, 5 लाख ट्रैक्टर के ऊपर 10 लाख तिरंगे तो सरकार ने दिखे नहीं, और एक आदमी ने वो झंडा फहरा के जो बवाल करा, जो आंदोलन को खराब करने का काम किया है, उसका इस आंदोलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम ये इस माध्यम से सरकार को दिखाना चाहते हैं कि उस चीज़ से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा, आंदोलन बढ़िया चल रहा है। और 26 जनवरी के बाद तो आंदोलन और भी बढ़िया चल रहा है और आंदोलन कामयाब होगा। जब तक कामयाब नहीं होगा हम घर नहीं लौटेंगे। जथेबंदियों ने जो आप देख रहे हैं कि पैदल मार्च कर रहे ने, ताकि जो झूठियां अफवाह फैलाई गई सी कि जो किसान वीर है वो 26 तरीक तो बाद जो हिंसा हुई सी वापस घर नूं जाके चले गए ने, सो उस दे संबंध दे विच किसान आगुआं दे वल्लों एक विशाल पैदल मार्च रैली कढ़ी गई है। सो होर भी अपडेट दे लई जुड़े रहो चैनल PV न्यूज़ दे नाल।